डोंट प्ले पबजी दिस टाइम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये पबजी खेलने का सही वक्त नहीं है और आप लोग अपने मन में ये भी सोच रहे हैं कि ये बंदा जब पबजी बैन हो गया है उसके बाद क्यों मना कर रहा है कि आप लोगों को पबजी खेलना नहीं है इस समय तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पबजी को बैन कर दिया गया है हमारे इंडिया में लेकिन उसके बाद भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ बता नहीं सकता लेकिन ऐसे लोग हैं जो पबजी को बैन होने के बाद भी पबजी को खेल रहे हैं वो भी कैसे खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग कोई से लोकल से पी को डाउनलोड करके उसको कनेक्ट करके उसके बाद से पबजी को प्ले कर रहे हैं पबजी को खेल रहे हैं तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि डोंट प्ले पबजी दिस टाइम पबजी को आप लोग इस समय मत खेलिए क्योंकि पबजी को खेलना मतलब समझे खतरों से खाली नहीं है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग को पबजी नहीं खेलना है वीपीएस से कनेक्ट करके पबजी बिल्कुल नहीं खेलना है जो लोग पबजी को खेल रहे हैं सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखेंगे उसी के बारे में हम आपको समझाएंगे ठीक है और लोग जानकारी के लिए जो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो लोग भी वीडियो देख सकते हैं बाकी लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं ठीक है तो जो, जो लोग पबजी देख खेलते हैं उस लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके बाद हमको शायद जहाँ तक लगता है कि आप लोग पबजी को नहीं खेलेंगे ठीक है तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप अभी तक हमारे अमर टेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घर के कंटीवर को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन यार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं <t scratch> तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीपीएन क्या है ठीक है उसके बाद में बात करूँ की पबजी को आप लोग क्यों नहीं खेलना ठीक है तो देखिए वीपीएन क्या होता है वीपीएन को जब आप लोग डाउनलोड करते हैं उसके बाद कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है कनेक्ट कर देते हैं तो वीपीएन से क्या होता है आप लोग को जिस कंट्री में है उस कंट्री का ना छोड़ के किसी और कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट कनेक्ट होता है आईपी एड्रेस कनेक्ट होता है जिससे उसके बाद ही बीपीएन का लोग यूज करते हैं बी का सही यूज कब किया जाता है जैसे मान लीजिए आपके बारे में कोई आईपी पी एड्रेस आपके बारे में कोई पता लगा रहा है कि आप कहाँ पे हैं झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं तो उसको उस लोकेशन को चेंज करने के लिए आप लोग लोगों को बीपीएन का यूज करना चाहिए ठीक है जैसे मान लीजिए मुझे कोई बंदा ढूंढ रहा है मैं बोल दिया कि भाई मैं इंडिया में हूँ ठीक है लेकिन मैं कहीं और पे हूँ लेकिन मैं बोल दिया इंडिया में हूँ तो मैं क्या करूंगा वीपीएन को डाउनलोड करके जिस कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट कर दूंगा उसी कंट्री में बताया अगर कोई मुझे आईपी एड्रेस है ट्रेस करता है या पता लगाता है हमारे बारे में ठीक है तो वीपीएन का यूज़ सिर्फ इसी लिए होता है और किसी काम के लिए नहीं होता है ठीक है तो यही काम लोग पबजी के साथ भी कर रहे हैं पबजी मान लीजिए इंडिया में बैन हुआ है लेकिन उसके बाद भी क्या करें इंडिया का नेटवर्क छोड़ के किसी और अदर कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं जहां पबजी बैन नहीं हुआ है उस उस कंट्री का नेटवर्क कनेक्ट करके अपने फोन में पबजी को खेल रहे चला रहे ठीक है अब मैं बताता हूँ कि पबजी को क्यों नहीं खेलना चाहिए बीपीएस से ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या बता मैं आपको बता दूं कि देखिए पबजी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि भाई मैं आपको नहीं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग कोई भी जिस कंट्री में बैन किया गया है ठीक है उस कंट्री के लोगों को मतलब ये नहीं कहूंगा कि आप लोग वीपीएस को कनेक्ट करके हमारे पबजी को खेलिए ठीक है और पबजी खेलना क्यों मैं बता रहा हूँ खतरों से खाली नहीं है देखिए अगर किसी सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है उसके बाद अगर आप लोग खेलते हैं या यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर को तो समझिए तब कितना खतरों से खाली होगा तब आपका डाटा के साथ आपका क्या होगा और आप लोगों को यह भी पता है कि पबजी को जब इंडिया में बैन किया गया था तो डाटा चोरी को ही ले बैन किया गया था पबजी को ठीक है पबजी क्या कर रहा था कि अपन एक हमारे इंडियन कंट्री का सारा जितना डेटा है जितने यूजर्स पबजी को खेलते थे क्या करता था अपने कंट्री में उसको सेव करता था ठीक है इसी की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया पबजी को बैन कर दिया ठीक है अब आप लोग एक बात समझिएगा कि अब सोचिए कि जब पबजी को अप्रूव किया गया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट तरफ से उसके बाद भी डेटा चोरी कर रहा था ठीक है तब तो मान लीजिए उसको बाद से अब उसको बैन कर दिया गया समझिए अब आपके साथ क्या करेगा अब उसके ऊपर कोई रूल कोई नियम नहीं अब अब आप लोगों के साथ जो भी करें ठीक है अगर बाई चांस मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट अप्रूव की है मैंने अपने कंट्री में चलाने के लिए अगर वो कंट्री आप वो सॉफ्टवेयर आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप क्या करते हैं उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं और आपको सा, आपके साथ वो इस कंट्री के लोग भी सपोर्ट करेंगे उस कंट्री की गवर्नमेंट गौ, भी सपोर्ट करेगी लेकिन किसी सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया गया है अपने उस कंट्री में उस कंट्री के लोग अगर यूज करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करेगी आपके साथ जो भी हो क्योंकि पहले ही से गवर्नमेंट की तरफ से आ गया बोल दिया गया है कि आप लोग इस इस सॉफ्टवेयर को यूज ना करिए क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपका डेटा सेव नहीं रहेगा आप खतरों से खाली नहीं रहेंगे ठीक है तो पहले ही बोल दिया अगर आप आप लोग उसके बाद भी है करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके साथ आपके साथ मिलकर उस सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लीजिएगा ठीक है तो ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अभी पबजी को मत खेलिए और पबजी को सुनने में आया कि बहुत जल्दी पबजी इंडिया में आने वाला है पबजी अगर इंडिया में आ जाता है उसके बाद ही आप लोग पबजी को खेलिएगा ठीक है तब तक आप लोग आप लोग वीपीएस को डाउनलोड करके पब्जी को प्ले मत करिएगा क्योंकि आपका डेटा सेफ नहीं रहेगा ठीक है तो बस ये ये छोटी सी जानकारी थी और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पहले बैटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन यार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा चलिए खत्म करते वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो